अगर मैं ये सोचूं 300 फिल्म्स हो गई हैं, 50 साल मैंने काम किया है, आई डोंट थिंक सो आई कैन वर्क एनी मोर. उन दिनों में क्या वैनिटी वैन्स नहीं होते थे और मॉनिटर्स नहीं होते थे, जैसे कंटिन्यूटी देखना है. असिस्टेंट डायरेक्टर्स आई रिमेंबर यूज टू ड्रॉ. अपने बच्चों के साथ आप बहुत ही प्रोटेक्टिव रहें एंड दिस इज़ लाइक अ रियली एक्सपोजर, लाइक यू आर लिटरली गिविंग योर चाइल्ड टू. सो वो एज अ मदर आई फेल्ट लिटिल इन द बिगिनिंग, शुरू में आई वॉज रियली टेकन बैक. ऑफकोर्स मैं आई एम वेरी प्रोटेक्टिव बट आई एम नॉट पोसेसिव. जी भाषा तो एक भी ठीक से नहीं आती. Successful woman is one who can build a firm foundation from the bricks others had thrown at her. और आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े अचीवर से पूछ लीजिए, वो आपसे यही कहेगा, श्रीदेवी is a success story. How are you, श्री जी? Fine, thank you. आपने पीके फिल्म देखी है? हाँ जी देखी. उसमें आमिर खान जिसका हाथ पकड़ते थे उसकी एनर्जी और उसके अंदर का सारा कंटेंट अपने अंदर ले लेते थे, रिमेम्बर? So I want to just touch your hands and get all the energy that you have had for the past 5 decades. Thank yes, you. I can. I'm getting it. Good. I'm filled with ambition now. Okay. So 5 दशक पूरे हो रहे हैं आपके करियर के और आपकी फिल्म मॉम इसी मौके पर रिलीज हो रही है. This will be your 300th film. What is your mental state right now? Mental state? ये मेरी पहली फिल्म है और मैं न्यू कमर हूँ, बस यही फील कर रही हूँ. इज इट इवन पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बिकॉज जो एक्टर है ऐसे ही महसूस करना चाहिए. अगर मैं ये सोचूँ 300 फिल्म्स हो गई हैं, 50 साल मैंने काम किया है, आई डोंट थिंक सो आई कैन वर्क एनी मोर. सो जो आप बोल रहे हैं तभी याद आते हैं, अच्छा 300 पिक्चर हो गए. आपकी जो फिल्म आई थी इंग्लिश विंग्लिश, एट द स्क्रिप्ट लेवल हु इज द डायरेक्टर, हु आर द एक्टर्स आई एम वर्किंग विद, यू स्टिल फील कि थिंग्स मे गो रॉन्ग इवन नाउ? नो, ड्यूरिंग इंग्लिश विंग्लिश आई वाज नॉट एट ऑल इनसिक्योर, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. दैट्स द रीजन आई सेड यस टू द मूवी, बिकॉज जब मैं स्टोरी सुना मुझे बहुत ही अच्छी लगी और जब गौरी को मिला और भी अच्छी लगी. सो आई नेवर हैड दिस डाउट ड्यूरिंग द फिल्म एट ऑल. Or the same thing. I mean, I'm very lucky that I got to work Gauri that time and now Ravi. Ravi. Both of them are from ad background. क्या ये कुछ strategy है behind this? उनका taking अलग, बहुत modern होती है. And when they're specially doing a very emotional film, so that really helps. The film looks really fresh. टेक्निक्स भी बदल गई हैं, द वे पीपल आर कंज्यूमिंग. ज़रूर, ऐसे ये हमारे मॉम की स्टोरी है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, ऐसे कुछ नहीं जो कहते हैं हटके से हैं, वैसे नहीं. इट्स अ वेरी नॉर्मल फैमिली ओरिएंटेड इमोशनल फिल्म है. तो उसको रवि ने किस तरह से ट्रीट किया, दैट इज द बेस्ट थिंग इन द मूवी. उसे समझाने की नहीं, हमें उसे समझने की जरूरत है. भोलेनाथ पे भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा. भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी, इसीलिए तो उसने माँ बनाई है.